हे गाइस, कैसे हो आप सभी। सो हो चुका है रात का टाइम, ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं और मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि आज मैं लेट हो गई। आज मेरी तबीयत भी डाउन थी तो मन नहीं कर रहा था खाना वाना बनाने का ना, तो इसीलिए फिर मार्केट गई। मार्केट जाने के बाद फिर सब्जी लेकर आई और सब्जी अभी कट कर रही हूँ। ये लाई हूँ सब्जी और अभी इसको कट कर रही हूँ और हमारे डॉगी जी हमें देख रहे हैं। हेलो जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हो, चलिए ठीक है, देखते रहिए। ये भी ब्लॉगिंग में आ रहे हैं, आना चाहते हैं, कह रहे हैं मुझे भी आना है, तो मत आइए अभी, अभी आप बैठे रहिए। तो यहाँ पे मैं सब्जी काट रही हूँ और ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 10 बजे का, तो काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे कटिंग करने में, तो कोई बात नहीं। आज ना मेरा सर दर्द हो रहा है और बदन ना काफ़ी दर्द हो रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तबीयत डाउन हो रही है क्या हुआ, क्योंकि कूलर के आगे ठंडी ठंडी हवा लगती है ना तो मौसम चेंज हो जाता है, तो उससे भी तबीयत ख़राब हो जाती है। और आज सीधे हाथ में मेरे हो रही है खुजली, तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि सभी कहते हैं कि खुजली जब होती है ना तो पैसे आते हैं, तो पता नहीं कहाँ से आते हैं पैसे, मेरे पास तो आते नहीं। अभी मैं मार्केट गई हूँ तो मार्केट में मैं सिर्फ खर्चा ही करके आई हूँ, लेके तो मैं कुछ आई नहीं, मतलब पैसा लेकर नहीं आई, सब्जी तो लेके आई हूँ, तो कहाँ से आते कैसे आते हैं, अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताओ कि सीधे हाथ में खुजली होती है तो क्या होता है और उल्टे हाथ में खुजली होती है तो क्या होता है, क्योंकि मुझे तो आज तक पता ही नहीं चल पाया कि कैसे क्या होता है। और हमेशा खर्चा ही खर्चा होता है, पैसा आता है तो कहाँ से आता है, उड़ के आता है, एरोप्लेन से आता है या फिर नाव से आता है, तैर कर आता है, समझ में नहीं आता, मुझे पता ही नहीं है मुझे। तो आप लोगों को क्या पता है कि सीधे हाथ में खुजली होती है तो क्या होता है और उल्टे हाथ में खुजली होती है तो क्या होता है, मुझे कमेंट में बता दो। बाय।